मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल फॉर द एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। और दोस्तों, ये जो हमारी वीडियोज है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर बीआई की सीरीज बार स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, जिसके जरिए हम डेटा विजुलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पावर बीआई है क्या और इसका यूज क्या होता है, कैसे इसको हम डाउनलोड करेंगे और क्या क्या चीजें इसकी जरूरत है। पहले इस थ्योरिकल पार्ट को हम करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट को हम बात करेंगे। पावर बीआई डेटा समराइजेशन के बारे में बात करते हैं, डेटा विजुलाइजेशन के बारे में बात होता है जब पावर बीआई की बात होती है। तो आप कभी गूगल पे जाइएगा और गूगल पे जाके आप डैशबोर्ड सर्च कीजिएगा और इसके आप इमेज पे जाइएगा, तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे डैशबोर्ड्स दिखेंगे। तो ये सारे डैशबोर्ड एक्सेल पे, इस तरह के डैशबोर्ड एक्सेल पे बनाना थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि एक्सेल पे इतने टूल्स अवेलेबल नहीं है। एक्सेल पे थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है, डेटा को समराइज करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, तो बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की डैशबोर्ड को इजीली के बनाने के लिए हम पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, और इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी आईटी टीम या किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी बनाता है तो यूजर इंटरफेस को ध्यान में रखते हुए बनाता है। तो उसी तरह से पावर बीआई को भी यूजर इंटरफेस के जरिए बनाया है, जैसे एक्सेल को हर कोई अपने काम लाइक यूज कर सकता है, उसी तरह से आपके इस पावर बीआई को भी हर कोई अपने काम के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकता है। ये तो बात होगी कि पावर बीआई से हम आखिर करेंगे क्या, पावर बीआई हमें किस तरह से सपोर्ट करेगा या पावर बीआई हमें किस तरह से मदद करेगा। अब बात करते हैं कि पावर बीआई हम लेंगे कहां से, क्या ये पेबल है या फ्री है वगैरह वगैरह वगैरह। तो जाहिर सी बात है, कोई भी प्रॉब्लम का हल हम लोग गूगल बाबा से पूछते हैं। तो गूगल बाबा पे चलिए हम यहां पे सर्च करते हैं पावर बीआई डाउनलोड। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आप डाउनलोड करते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा कि यूआरएल कौन सा है। ये पावर बीआई की ऑफिशियल साइट है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे दिख जाएगा, पावर बीआई डॉट मग दिख रहा है, बहुत सारे ऐसे ऐसे दिख, पावर बीआई डेस्कटॉप सोनिक सॉफ्टवेयर डॉट कॉम, इस तरह की वेबसाइट पे मत जाइए, क्योंकि इस तरह की वेबसाइट्स पे जाने के बाद आपको पावर बीआई तो डाउनलोड होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत सारे सर्च इंजन्स और बहुत सारे एडकॉम वगैरह एडिंस वगैरह डाउनलोड हो जाएगा। सो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की साइट पे जाते हैं और मुझे यहाँ पे पावर बीआई फॉर डेस्कटॉप सिंपल सा डाउनलोड कर लेना। पावर बीआई आप मोबाइल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप मोबाइल के लिए भी कर सकते हैं, तो मोबाइल के लिए तो अपने मोबाइल स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर बीआई हमारा चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भेज रहा है, यहाँ नीचे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा विंडो का लेटेस्ट वर्जन है तो स्टोर के जरिए डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन आप इस पे जाइए और यहाँ पावर बीआई पे डाउनलोड कर दीजिए आपका पावर बीआई। पूछेगा कौन सा वर्जन चाहिए, तो आपके सिस्टम में कौन सा सिस्टम है, अगर आपका सिस्टम अगर पावर बीआई डेस्कटॉप सेटअप आपका 64 या 32 बिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है इसको तो आप इजीली आप पता लगा सकते हैं माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाके। तो हमने इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट किया और हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। अब पावर बी जब सीखने जा रहे हैं तो आपको इतना जरूर पता होगा कि पावर बीआई को इंस्टॉल कैसे करते हैं, सिंपल सा ऐसे इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है
कि आखिर पावर बीआई को, पावर बीआई जो हमारा है वो पावर बीआई को और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे इसके बारे में ज़्यादा सीखना हो तो कैसे सीख सकते हैं। तो मैं अपने चैनल्स पे हमेशा पावर बीआई वीडियो, एक्सेल की वीडियो, टैबलू की वीडियो, ऐसे बहुत सारे वीडियोज हम डालते रहते हैं। तो आईपीटी इंडिया अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो भी आपको यहाँ पे मेरे चैनल दिख जाएगा और मेरे चैनल के सारे वीडियोज दिख जाएंगे। इसके अलावा पावर बीआई नाम से एक ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का ही ये चलता है, ट्रेनिंग ये चलता है, चैनल चलता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। आप यहाँ किसी और को मत देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के ही साइट को देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई 204 वीडियो इसके अंदर अवेलेबल है। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। नहीं, आई थिंक नहीं, ये नहीं है माइक्रोसॉफ्ट की, ये पावर बीआई के नाम से चैनल है। मैंने इसको ढूंढा नहीं है, लेकिन हाँ मैंने माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिकल में पढ़ा था कि पावर बीआई की इस पे जाने के लिए, या फिर आप इसी पे लर्न वीडियोज करके नीचे आपको दिख जाएगा, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा, ये सर्विसेज ऑनलाइन है तो आपके पास ऑनलाइन अकाउंट होना चाहिए, तो आप साइन अप फॉर फ्री पे जाके आप साइन अप कर सकते हैं। यूजिट फ्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लर्न अबाउट पावर बीआई डेस्कटॉप, तो इस पे आपका अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो जिसको आप सीख सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। लेकिन मुझे लर्न नहीं करना है, मुझे जो है पावर बीआई पे साइन अप करना है, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज है, जब तक हम साइन अप नहीं करेंगे तो हम रिपोर्ट को शेयर कैसे करेंगे। जी हाँ, रिपोर्ट को शेयर कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे साइन अप पे जाते हैं। यूजिट फ्री पे क्लिक करते हैं, यूजिट फ्री पे क्लिक करते ही ये माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड कर रहा है, और इसको आप जो है ट्रायल पे भी जाके, यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करके आप अपनी ट्रायल वर्जन भी ले सकते हैं। इसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जैसे मैंने अपना ईमेल आईडी जब भी डालिएगा तो आप अपना जीमेल या हो इस तरह की ईमेल आईडी मत डालिएगा, क्योंकि इस तरह की ईमेल आईडी अगर आप डालते हैं तो फिर क्या होगा, वो उसको रजिस्टर्ड नहीं होने देगा। इस पे आप अपनी किसी कंपनी की आईडी, जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कंपनी की आईडी डालें तो आपको बेटर तरीके से परफॉर्म करना देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कल के डेट में आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन चाहिए तो सर्टिफिकेशंस कैसे लेंगे, क्योंकि मार्केट में सर्टिफिकेशन की वैल्यू इंटरव्यू पर्पस से तो होता ही है, पर नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है। तो आप udx.org पे जाएंगे, यहां से आप माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस के लिए आपको मात्र $49 या उसके आसपास आपको पे करना है, और यहां से आप अपना सर्टिफिकेट अवेल कर सकते हैं। जी हाँ, या फिर और भी बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट की भी ऑफिशियल साइट है, वहां से भी ले सकते हैं। तो अलग अलग चीजों पे इसका यूज करते हैं, लेकिन सबसे पहले है कि आप यहाँ पे पावर बीआई को अच्छी तरीके से समझें कि पावर बीआई आखिर होता क्या है। तो पावर बीआई को डाउनलोड करना हमने सिखा दिया, पावर बीआई को रजिस्टर्ड करना या फ्री करना सिखा दिया। जब भी आप पावर बीआई यहाँ से आप ओपन करेंगे, ऐसे आपको 60 दिन के लिए देता है, तो आप पावर बीआई 60 दिन के लिए आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप पावर बीआई को इंस्टॉल करने के बाद आप सिस्टम पे खोलेंगे, तो यहां पे आएगा। तो इसमें आप रजिस्टर्ड ना भी करें या साइन ना भी करें तो क्रॉस करके आप अपना काम कर सकते हैं,
लेकिन साइन इन करना चाहे तो साइन इन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालिए, जैसे मैंने kumar@iptindia.com डाला और साइन इन पे क्लिक कर दिया। मुझे इसमें पासवर्ड डालने के लिए बात करेगा। साइन इन से क्या हुआ कि हम ये रिपोर्ट को इजीली पब्लिश कर सकते हैं। पासवर्ड लग रहा हमने भूल गया। अगली क्लासेस में हम बताएंगे कि पावर बीआई पे किस तरह के काम होता है और आगे किस तरह से यूज करते हैं इसको। तो मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिए।